दोबारा आप मुझे घर को छोड़कर जाने की बात मत कीजिएगा। अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हबीर, हबीर को उसका प्यार मिल गया है, क्या तुम उसके खुशी से खुश नहीं हो? मीनू, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। आपको क्या लगता है मेहुल, आप क्या चाल चल रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूं। चाले चल चल के तुमने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया है मीनू, मैं तो बस उनका साथ दे रहा हूँ। साथ दे रहे हैं आप? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका साथ दे रहा है। पारुल, मुझे आपको कुछ दिखाना है, मेरे साथ आओ ना। बाबूजी, मुझे भी दिखा दो, मैं भी आती हूँ। मारी वाली, मेरे साथ चल। माँ, मैं भी अपने फ्रेंड से मिलके आती हूँ। हाँ, मैं भी केतू के फ्रेंड से मिलके आता हूँ। माँ आइए, आप हमारे साथ आइए। हेलो, हेलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो, हेलो, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए ना, डांडिया शुरू होने वाला। हाँ, तुम आगे बढ़ो, मैं आती हूँ। ठीक। हेलो, हेलो, आज मैं इससे बात किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अगर इस बार फोन नहीं उठाया ना तो फिर देख मैं तुझे क्या करता हूं। हेलो, फोन मत काटना। जब आपने मुझे कालिक लगाने के लिए बुलवाया था तो कहा था कि पैसे बाद में मिलेंगे। एक तो वहां इतनी हाथापाई हुई और ऊपर से अभी तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, कल बात करेंगे। माँ, आपने कुणाल को देखा है क्या? वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। हाँ, कुणाल को देखा मैंने, एक्चुअली उसका कॉल आया था, लगता है काम का कॉल होगा तो वो बाहर गया है बात करने, मैं बुला कर आती हूँ। नहीं माँ, मैं बुला कर लाती हूँ। वैसे भी ये डांटने वाटने का काम ना मुझे करने दीजिए। हैशटैग वाइफ ब्यूटी। ओके, ठीक है। थैंक गॉड बाबा आप आ गए। आप सोच भी नहीं सकते मैंने आपको कितना मिस किया। अब मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ बेटा, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें पता है, जब हम इश्ती के घर जा रहे थे तब मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया था? मैं जानता था तू कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती इस घर की है। ये घर प्यार का मूल नहीं समझता। ये तुम्हें और मिष्टी को कभी नहीं मिलने देंगे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, वो बस नान को थोड़ा नाराज है। मैं उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगा। नान को तो बहुत समझदार है बेटा, अपने मकसद के लिए उस बेचारी लड़की को वो तलाक दे रहा है। तुम्हें बुरा लगेगा बेटा, लेकिन सच ये है कि नान को तुम्हारी माँ को गया है। बरसों पहले तुम्हारे माँ ने भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया था। उसने तब तक हार नहीं मानी थी जब तक उसने सबके सामने ये साबित नहीं किया था कि मैं गलत था और वो सही। सच तो यह है कि मीनाक्षी ने मुझे तुमसे दूर किया था।
बेटा क्या तुम चाहते हो कि मिश्री और तुम्हारे साथ भी यही हो? क्या मिश्री को खोना तुम बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं ना बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने जिसके बारे में बात की उसके बारे में कुछ सोच पाया? इसके अलावा और कुछ नहीं सोच पाया बाबा। आप सही कह रहे थे, इस घर में मिष्टी को वो इज्जत वो रुतबा कभी नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। लाइफ कोई फिल्म नहीं है, इसमें शादी हो गई तो सब खत्म। ये लाइफ में तो जिंदगी शादी के बाद ही शुरू होती है। और मैं सब कुछ जानते हुए मिष्टी को इतनी बुरी लाइफ नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ बेटा। बाबा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में मिस्टी और मेरी फैमिली के बीच में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन जा बेटा मिस्टी से मिलने जा, मना उसे। जी बाबा। हाँ बेटा। बाबा एक्चुअली मैं मिष्टी से बात करने वाला हूँ। सही फैसला लिया है तुमने, गणपति बाबा तुम्हारे साथ हो। लेकिन बाबा जो आपका फैसला है वो मेरा फैसला नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी फैमिली को भी अच्छे से जानता हूँ और मिष्टी को भी। दुनिया वक्त सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं अपने आप को। बेटा मुझे किसी दोस्त से मिलने जाना है, उसे मिलने के बाद मैं तुम्हें फोन करूँ? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे। मैं जानता हूं बाबा आप हमेशा मेरे साथ हैं। ओके बाबा। हाँ बेटा। कहाँ हो? रावण दहन वाले मैदान में। बराबर खाइयो, दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, मीनाक्षी मुझ पर नजर रखवाएगी, उसका कोई डर नहीं, लेकिन मेरा बेटा हमेशा मेरे आसपास रहेगा। चल। ओ मैडम चलो जाओ यहाँ से, रावण अभी चलने वाला है। चलो ए तुम लोग भी चलो। हंडिया हॉल में तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया होता तो। मेहुल भाई ये क्या बात हुई? आपने मुझसे कहा था कि काम के बाद तुरंत पैसे मिल जाएंगे, एक तो मुझे मेरे पैसे नहीं मिले और ऊपर से वहाँ इतनी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, उसका क्या होगा? अरे भाई लोग आप लोगों को सुनाई नहीं दिया क्या? अभी रावण जलने वाला है, चलो जाओ यहाँ से। चलो चलो जा, जा, आप लोग भी जाओ।
मिष्टी, शादी के बाद हमें अलग घर में रहना चाहिए। नहीं अभी, दिस इज रॉन्ग। शिव, हम गलत नहीं है, गलत माँ है, उनकी सोच गलत है, और अगर अभी हमने कुछ नहीं किया ना तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मिष्टी, अभी तुम ही तो कह रही थी कि हमारा प्यार हार नहीं सकता। नहीं अबीर, अपनी फैमिली से दूर रहकर तुम इस जीत को जीत मानोगे? दिस इज नॉट राइट। मिष्टी, अबीर मुझे नहीं लगता हमें ऐसे करना चाहिए। मिष्टी, बाहर चल के बात करते हैं, यहाँ बहुत शोर है। हाँ बाबा, आप यहाँ? आप तो किसी दोस्त से मिलने जाने वाले थे ना? वो आप यहाँ क्यों आए? अंकल, ये तो वही हार है ना जो मीनाक्षी आंटी ने डांडिया पार्टी में पहना था। ये आंटी का ही हार है ना? माँ का हार आपके पास? हाँ, वो माँ का हार खो गया था ना वो डांडिया हॉल में। हाँ। वैसे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि घर में सब यही सोच रहे कि जब से मैं आया हूँ तब से सामान गायब हो गया है। What nonsense, बाबा, आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? आपको चोर कहा किसी ने? नहीं अभी, relax, इन्होंने कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये आपको मिला कहाँ पे? वो बेटा ऐसे हुआ कि मैं जानता था कि अगर तुम्हें बताऊं तो तुम गुस्सा हो जाएगा, और इसलिए मैंने बहाना बनाया दोस्तों को मिलने का, और यहाँ हार ढूंढने आ गया मैं। यहाँ? क्या है बेटा कि ये डांडिया हॉल यही था ना, मैंने सोचा मैनेजमेंट से पूछ लूं कि अगर उन्हें ऐसा कोई हार मिल गया तो दे दे, और उन्होंने यह हार वापस कर दिया हमें। हाँ, हाँ, हाँ अबीर, आंटी कितनी लकी है ना, वैसे तो खोई हुई चीजें वापस कभी मिलती नहीं है। अभी आई थिंक हमें जाके मैनेजमेंट को थैंक यू कहना चाहिए, वैसे भी उन्होंने इतना बड़ा डोनेशन दिया है और ये हार भी वापस लौटा दिया। यू आर राइट, भावेश भाई यही होंगे, मैं उन्हें थैंक्स बोल के आता हूं। हां बाबा, अरे क्या हुआ? ठीक है बाबा, ये आप सिली से हार के लिए यहां तक आ गए, मुझे भेज देते। अभी जल्दी से इन्हें घर ले चलो। हां चलिए घर चलिए। बिंबा, आज दशहरे के दिन हम सब अंधेरे में क्यों बैठे हैं? मीनू, पारुल बराबर बोले छे, आज अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, हम हार मान के ऐसे बैठ नहीं सकते। मैं विशंबर जी को अब भी फोन करता हूँ। माफी चाहती हूँ बापू जी, मैं महेश्वरी हाउस नहीं जाऊंगी। मैं तो जाऊंगा। तो आप अकेले जाएंगे केम बापू जी? जुनू, आराम से। जी जी, आराम से, आराम से बाबा। जुगनू, बाबा को उनके रूम में ले जाओ। आराम से। मिष्टी, अबीर, अभी नहीं। क्या हुआ अबीर? बाबा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, वो डांडिया हॉल गए थे। इस घर में उन पे इतने इल्जाम लग चुके हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर नहीं जाते तो क्या करते।
अभी भी तू चुप है और कितनी बार मेहुल को ऐसे जीतने देगी? बिंबा बापू जी ठीक कह रहे, भी कुछ तो करना ही होगा हमें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।